भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम 233 रन बोर्ड पर लगा चुकी है और अब दूसरे दिन का खेल कल सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था। एक समय ऐसा लग रहा था जब विराट और रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे कि ये दोनों मिलकर भारतीय टीम को करीब करीब 350 तक पहुंचा देंगे, लेकिन यहाँ पर 72वें ओवर में यहाँ पर विराट कोहली का विकेट मिला ऑस्ट्रेलियाई टीम को। विराट कोहली को कॉल किया अजिंक रहाणे ने, नेथन लायन की गेंद थी और अजिंक रहाणे ने कवर्स की ओर तेज शॉट खेला, गेंद सीधा हेजलवुड के पास गई। रहाणे ने विराट को कहा कि एक सिंगल है। विराट कोहली बिना देखे दौड़ पड़े और उसके बाद रहाणे ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद विराट कोहली रन आउट हो गए। विराट के रन आउट होते ही मन ऑस्ट्रेलियाई टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। काफ़ी शानदार तरीके से विराट कोहली यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली शानदार शतक जड़ देंगे, लेकिन विराट का शतक भारतीय टीम के काम नहीं आ पाया। भारतीय टीम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि विराट शतक ठोकेंगे, लेकिन विराट यहाँ पर 74 रन पर रन आउट हो गए। विराट के रन आउट होते ही उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने अजिंक रहाणे को मैदान पर काफ़ी कुछ कहा। अजिंक रहाणे जानते थे कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी और उसके बाद अजिंक रहाणे ने उन्हें सॉरी भी बोला। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर मुझसे गलती हुई है विराट। हालांकि यहाँ पर अजिंक रहाणे को और लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन अजिंक रहाणे यहाँ पर आउट होकर चले गए, जिसके बाद भारतीय टीम को अचानक 3 विकेटें गंवानी पड़ी और भारतीय टीम का पूरे तरीके से जो एक अच्छा सफर चल रहा था वो पूरे तरीके से बैकफुट पर चला गया। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।